सभी छात्रों का फिर से स्वागत है। आज मैं आपका टीचर कक्षा 9 विज्ञान विषय का चैप्टर 2 हम क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके बारे में यह वीडियो है। आप सभी को आज इस वीडियो के बारे में पहले बता देता हूँ कि चर्चा क्या होगी। पदार्थ विलयन, निलंबन, कोलाइडी विलयन, रासायनिक अभिक्रियाएँ, भौतिक अभिक्रियाएँ और इनमें अंतर, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं और समांगी विषमांगी में अंतर और भी बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो में आपको मिलेगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाली बटन दबा के सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी अपनी लैंग्वेज में होगा, किताबी भाषा से बिल्कुल हट के, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चनों को, सभी प्रश्नों को हल करते हैं। पदार्थ से आप क्या समझते हैं, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं और उनके जो रासायनिक प्रकृति या रासायनिक गुण होते हैं वह समान तरह के होते हैं। चलिए देखते हैं, पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तथा उस पदार्थ में मौजूद सभी कण की रासायनिक प्रकृति एक समान होती है। उदाहरण है सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ठीक है, एल्युमिनियम आदि क्या हैं, पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है, समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों में अंतर लिखिए। समांगी तथा विषमांगी में अंतरण, तो हम समांगी और विषमांगी में अंतर देख लेते हैं कि करके, जो समांगी होते हैं ये समांगी है और ये है विषमांगी। तो समांगी में देखेंगे हम, जो समांगी होते हैं समान होते हैं, कैसे होते हैं, समांगी का मतलब समान होता है, दो चार छः सम संख्याएं आती हैं, समान होते हैं, तो समांगी से क्या होता है, समान। तो जो समांगी होते हैं वो समान संगठन वाले होते हैं और विषमांगी जो होते हैं वो विषमान संगठन वाले होते हैं या समान संगठन के नहीं होते हैं, ठीक है। जो विषमांगी होते हैं वो समान संगठन के नहीं होते हैं। दूसरा देखेंगे, समांगी मिश्रण में को इनको स्पष्ट आँखों से नहीं देखा जा सकता। तीसरे नंबर आप देखेंगे, समांगी मिश्रण को स्पष्ट आँखों से नहीं देखा जा सकता है, जबकि विषमांगी मिश्रण को स्पष्ट आँखों से देखा जा सकता है, स्पष्ट आँखों से देखा जा सकता है, ठीक है। वहीं जो एक दूसरा है उसको देख लेते हैं, इनके अभी कणों के बीच कोई पृथक्करण सीमा नहीं होती है, किसमें, समांगी मिश्रण के बीच में कोई पृथक्करण सीमा नहीं होती है और विषमांगी मिश्रण के बीच में आपस में पृथक्करण की सीमा होती है। इनके उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण में देखेंगे, समांगी में जल और चीनी का मिश्रण जो होगा वह समांगी मिश्रण होता है और वहीं तेल में जल, देखेंगे तेल अलग दिखता है और जल अलग दिखते हैं। कभी आपने किया नहीं है तो एक बार जरूर करके देखिए, थोड़ी मात्रा में तेल लीजिए और थोड़ी ही मात्रा में 50 ग्राम 100 ग्राम के समथिंग पानी लीजिए और 50 ग्राम के समथिंग ही आपस में मिलाकर देखिए, तो आप पाएंगे कि तेल अलग और पानी अलग रहता है। जबकि आप शरबत बनाते हैं, जल और चीनी को आपस में मिलाते हैं तो वहाँ उनको आपस में अलग नहीं किया जा सकता है। आगे के देखते हैं अगला क्वेश्चन, वही समांगी और विषमांगी में अंतर आपको हमने बता दिया, अब हम देखेंगे विलयन, निलंबन और कोलाइडी विल में क्या अंतर है। अभी हमने देखा था विलयन के प्रकार में समांगी और विषमांगी मिश्रण, वो अंतर हमने वहाँ पढ़ा है, अब इसी में देखते हैं। अगला प्रश्न है, विलयन, निलंबन और कोलाइडी एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। विलयन यह एक समांगी मिश्रण होता है और निलंबन यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, लेकिन इसी के उलट देखेंगे, कोलाइडी जो होते हैं यह एक समांगी की तरह दिखाई देते हैं परंतु होते कैसे हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। हमने देखा विलयन कैसा है, समांगी है, निलंबन कैसा है, विषमांगी है और कोलाइडी कैसा है, दिखता समांगी के जैसे है लेकिन होता विषमांगी मिश्रण है। दूसरा देखेंगे, विलय के कण का आकार अत्यंत छोटा होता है, विलयन में विलय के कणों का आकार क्या होता है, छोटा होता है और इसीलिए इनको आँखों से नहीं देखा जा सकता, और निलंबन में, निलंबन में विलय के कणों का आकार विलयन की तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा विलयन में उसकी तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए इनको आँखों से, खुली आँखों से देखा जा सकता है। और कोलाइडी कणों का इसमें देखेंगे तो विलयन के कणों का आकार, इसके जो कोलाइडी के विलय होते हैं उनके कणों का आकार विलयन के कणों से बड़ा परंतु निलंबन के कणों से छोटा होता है, ठीक है। और विलयन में एक देखेंगे,
विलयन को फिल्टर पेपर से गुजारा जा सकता है, विलयन को फिल्टर पेपर होता है उससे गुजारा जा सकता है, जबकि निलंबन को फिल्टर पेपर से नहीं गुजारा जा सकता, ठीक है। और कोलाइडी या फिल्टर पेपर से गुजारा जा सकता है, ठीक है। आपको तीनों चीज़ में फिल्टर पेपर यूज करना था, तो विलयन में आपने फिल्टर पेपर यूज किया तो विलयन फिल्टर पेपर से गुजर जाता है, निलंबन में आपने फिल्टर पेपर यूज किया। अब फिल्टर पेपर होता कैसे है तो यहाँ मैं वीडियो में तो बता नहीं सकता, लेकिन कभी अगर मौका मिला तो मैं आपको प्रैक्टिकल जरूर एक करके दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताऊं कि फिल्टर पेपर किस तरह से ये विलयन से नीला और ये लाल होता है, किस तरह से गुजरता है, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकल के थ्रू दिखा सकता हूं, ठीक है। अगला है कोलाइडी, तो ये फिल्टर पेपर से गुजर जाता है। इस विलयन में चौथा देखेंगे, विलयन कैसा होता है, ये अस्थाई होता है, तो इसमें ब्लैक एक बार अगर विलयन बन गया तो इसमें विलय और विलायक को अलग नहीं किया जा सकता, और जबकि निलंबन ये अस्थाई होता है, इसके कण कुछ समय बाद तली पर जमा हो जाते हैं और छानन विधि द्वारा इनको आपस में अलग भी कर सकते हैं, लेकिन विलयन में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर विलयन एक बार बन गया, विलय और विलायक आपस में मिल गए, तो उन्हें दोबारा अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। कोलाइडी में देखेंगे यह अस्थाई विलयन है जिसमें विलय पृथक नहीं होते हैं, और कोलाइडी में भी विलय आपस में पृथक नहीं होते, इसलिए इसको छानन विधि द्वारा विलय के कणों को पृथक किया जा सकता है। परंतु हाँ, इसकी कंडीशन है कि छानन विधि द्वारा कोलाइडी विलयन के कणों को पृथक किया जा सकता है। विलयन में पांचवा देखेंगे, विलयन में जो है पांचवा है, उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है और टिंडल प्रभाव भी नहीं पाया जाता है, जबकि निलंबन में प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता है और टिंडल प्रभाव नहीं होता है, और वहीं कोलाइडी विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता है और टिंडल प्रभाव भी होता है। ये टिंडल प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे की वीडियोज में इसको मैं बताऊँगा, और खासकर क्लास टेंथ में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे, अभी जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक समतित विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ठीक है, को 100 ग्राम जल में, जल का फार्मूला आपको पता है H2O होता है, 293 केल्विन ताप पर घोला गया, इस तापमान पर इसकी सांद्रता क्या होती है। तो विलयन में सांद्र होते हैं, तो कभी सांद्र मतलब क्या गाढ़ा, और तनु मतलब क्या होता है पतला, तनु मतलब क्या होता है पतला। आगे देखें तो सवाल को हल करते हैं, प्रश्न में दिया गया है विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, तो आप विलयन में तो कोई चीज़ घुल रही है तो क्या होगा, वो विलय होगा, तो विलय का द्रव्यमान 36 ग्राम होगा, विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम होगा। अब हमें विलयन बनाना है, तो विलयन में बराबर होता है विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक, तो विलयन का द्रव्यमान निकालना है, तो विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, तो 36 और 100 प्लस 136 हो गया, ठीक है, 36 और 100 प्लस 136, और विलय की सांद्रता का सूत्र होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, 36 बटे 136 इंटू 100 बराबर क्या हो गया 26.4%, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है, और हाँ वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको यह चैप्टर पूरी तरह समझने में आसान हो जाए और आपको चैप्टर को पढ़कर मज़ा आए, ठीक है, आपको नई नई चीज़ें जानने को मिले। पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो आपस में घुलनशील हैं, के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे, मिट्टी का तेल जिसे आप लोग चिमनी या कैरोसिन का तेल भी कहते हैं, और पेट्रोल का अगर आपस में घुलनशील हैं तो उनको आपस में कैसे अलग किया जाता है, तो इसके पृथक्करण कैसे करते हैं, इसी क्वेश्चन से है, और इनके बीच क्वथनांकों का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, ठीक है, अंतराल। तो देखते हैं, जब दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांकों का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो तब इसके मिश्रण को आश्वन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर दो घुलनशील पदार्थ हैं और उनके के बीच टेम्परेचर तापमान में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर है, तो एक विधि होती है आश्वन विधि, जो आगे हम आपको बताने वाले हैं, चित्र भी बताएंगे, तो उससे हम अलग करते हैं। तो हम बस कार्यविधि देखेंगे, मिश्रण है पेट्रोल और मिट्टी का तेल, एक आश्वन फ्लास्क में ले लें और इसमें एक थर्मामीटर लगाएंगे, और जो ये सारी प्रक्रिया है हम थोड़ा चित्र में देखेंगे तो अधिक अच्छे समझ में आएगा, और मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें तथा सावधानीपूर्वक थर्मामीटर से अवलोकन मतलब
जो मिश्रण गर्म कर रहे हैं वो कितना टेम्परेचर उसमें बढ़ रहा है उसको अब लोग की मतलब देखना होता है, निरीक्षण करना, और उसको नोट करते जाते हैं। ये चित्र आपके सामने आ गया है, देखिए नीचे एक बर्नर लगा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो है ये बर्नर है, ये आप देखेंगे यहाँ पे बर्नर है, और ये फ्लास्क है जिसमें आपका मिट्टी का तेल और पेट्रोल भरा हुआ है, और यहाँ थर्मामीटर लगा हुआ है, ये जो ये देख रहे हैं आप थर्मामीटर लगा हुआ है, ठीक है, ये थर्मामीटर लगा हुआ है, और ये एक नली है जिसमें बाष्प बन के पेट्रोल एक अलग से ये ग्लास के जैसे आपको जो दिख रहा है उसमें इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। और ये वीडियो अभी आप जो देख रहे हैं इसको और अच्छे से भी क्रिया विधि आपने देखा है, तो इसको कैसे करते हैं इसके आगे कि जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखते हैं, पेट्रोल वाष्पीकृत होकर संघनन द्वारा संघनित होकर निकल जाता है, इसे बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है, जो आपने गिलास के उसे पात्र देखा ना उसमें क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। और आसवन फ्लास्क में मिट्टी का तेल, और जो हमने शुरू में ये फ्लास्क लिया था जिस पर आग लगाई थी उसके ऊपर जो रखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं उस फ्लास्क में जिसमें आग लगाई हुई थी उसमें मिट्टी का तेल जो है शेष बचा रहता है, ठीक है। अब सावधानी, पेट्रोल बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है इसलिए इसको आसानी से आग लग जाती है। आपने कई बार खुद ऐसी चीज़ें फील भी की होंगी कि आपने कभी मिट्टी पेट्रोल को देखा होगा, किसी बोतल में भर के रख दो तो कुछ दिन बाद देखते हैं भले उसका जो ऊपर का ढक्कन होता है या कैप होता है वो बंद हो, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, या कैप खोल के रख दिया जाए तो पता चला 1 लीटर पेट्रोल 10 मिनट में छू मतलब गायब, ठीक है। तो ये बहुत ज्वलनशील होता है और वह आग भी लग सकती है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए पेट्रोल जो है एक सावधानी में इसको नोट की तरफ लिख देना चाहता था, सावधानी की तरह लिखा हुआ है, आप इस बात को समझ गए होंगे। पृथक करने की सामान्य विधि के नाम, अब अगला क्वेश्चन है जो दही से मक्खन कैसे पृथक करेंगे, दही से मक्खन को कैसे पृथक करेंगे। दूसरा, समुद्री जल से नमक को कैसे पृथक करेंगे। तीसरा है, कपूर नमक से कपूर को कैसे पृथक करेंगे। तो दही से मक्खन आप लोगों ने देखा होगा या ना देखा होगा तो कभी पता कीजिएगा, जैसे दही से मक्खन कैसे निकालते हैं। तो एक मान लीजिए एक बल्टी है, एक गोल पात्र है जिसमें बीच में एक लकड़ी लगी हुई है, रस्सी के सहारे उसको घुमाया जाए, ठीक है, मथना कहलाता है उसको, ठीक है। तो उस विधि को रियल में साइंस में बोलते हैं अपकेंद्रण, क्या बोलते हैं, अपकेंद्रण। तो दही से मक्खन अपकेंद्रण विधि से अलग किया जा सकता है। समुद्र से नमक वाष्पीकरण के द्वारा, ठीक है, समुद्र से जब सूर्य निकलता है गर्मी पड़ती है और जो समुद्र का जल है वाष्पीकृत होता है और उसी से समुद्र जल से नमक प्राप्त हो जाता है। नमक से कपूर ऊर्ध्वपातन विधि से, ठीक है, ऊर्ध्वपातन विधि से, नमक से कपूर ऊर्ध्वपातन विधि से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार से मिश्रणों को पृथक्करण किया जाता है। तो क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, समुद्र जल से प्राप्त नमक में बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं जिनको दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। समुद्र जल से मान लीजिए हम नमक प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए कौन सी विधि यूज करते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। निम्न से भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को वर्गित करना है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, कहते हैं कोई चीज़ नेचुरल होती हैं, प्राकृतिक होती हैं मतलब भौतिक होती हैं, और कुछ चीज़ें कृत्रिम होती हैं मतलब रासायनिक होती हैं, कोई ना कोई क्रिया या विधि से उनको बनाया जाता है। तो यहाँ कुछ आपके दिए गए हैं, पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, आलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प बनना, विद्युत तरंग का ऊष्मा में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से विघटित होना, जल में साधारण नमक होना, इसको मैं एक एक कालम बना के लिखा हूँ, भौतिक बर्तन और रासायनिक बर्तन आप देख लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना और जल का उबलकर वाष्प बनना और फिर से उस वाष्प को जब ठंडा किया जाएगा क्या बन जाएगा, फिर से जल बन जाएगा। तो ये भौतिक जो होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के बाद पुनः पहली वाली अवस्था में वापस आ सकते हैं, लेकिन जो रासायनिक होते हैं एक अवस्था से अगर दूसरी अवस्था में चले गए तो फिर से प्राथमिक अवस्था मतलब पहली की अवस्था में नहीं आ सकते, इसलिए उसको कैसा परिवर्तन बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। और जो भौतिक परिवर्तन होता है वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाता है और आवश्यकता पड़ने पर दूसरे अवस्था से पहले अवस्था में फिर प्राप्त हो जाता है।
फलों से सलाद बनाना, ठीक है। इधर देख लेते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया में, अलमारी में जंग लगना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, लकड़ी और कागज का जलना, ये इसके कैटेगरी मैंने बता दिया रासायनिक और भौतिक चीज़ों में। अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करिए, जैसे कि शुद्ध पदार्थ जैसे हैं तांबा, सोना, नमक, चीनी, ठीक है, आश्रित जल D2O, चांदी, लोहा, हीरा, ये क्या है, शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं। वहीं मिश्रण में देखें नल का जल, दूध, वायु, स्टील, नमक का घोल, मिट्टी का तेल, आइसक्रीम, सोने के बने आभूषण, ठीक है। सोना 24% होता है, सोनी बोल के हमें देता है, पर 24% सोना, 24 कैरेट का सोना नहीं बना होता है, क्योंकि इससे कोई आभूषण नहीं बनाए जा सकते, ठीक। और अगर 24 कैरेट के सोने में हम कुछ ना कुछ मिलाएंगे, अन्य अशुद्धियां मिलाएंगे, मिश्रण बनाएंगे, तभी उससे हम आभूषण बना सकते हैं। जैसे पीतल है, कांसा, ये क्या है, सब मिश्रित धातुएं हैं, ठीक है। पाठ्यपुस्तक में आगे देखते हैं, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने के लिए, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl को जल से कैसे अलग करेंगे। अगला देखेंगे अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करिए। धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करिए। दही से मक्खन निकालने के लिए, जल से तेल निकालने के लिए, चाय से चाय पत्ती को पृथक करने के लिए, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने के लिए, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में, पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कणों को पानी से अलग करने के लिए, पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में। हाँ, आप मेरे चैनल पर आपको इसी तरह क्लास वाइज 10वीं 9वीं 12वीं चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगे। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और विजिट करें, आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है। यहाँ तक मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी देता हूँ, ठीक है, और समय आने पर पेपर, इन सभी के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें और अपनी आवश्यकता अनुसार सामग्री को जरूर देखें और वीडियो को अंतिम तक देखें। साथ ही अपने कम से कम 3 दोस्तों तक जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपने राय कमेंट में जरूर कमेंट करें कि आपको किस चीज़ का या किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है या किसका वीडियो चाहिए, ठीक है, आप ये कमेंट पे जरूर बताएं। चलिए देखते हैं एक एक करके। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने के लिए तो इसका आंसर होगा वाष्पीकरण विधि। सोडियम क्लोराइड को जल से अलग करते हैं वो कौन सी विधि होती है, वाष्पीकरण विधि होती है। दूसरा पर है बी है अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करना, इसकी विधि होती है ऊर्ध्वपातन विधि। कौन सी विधि होती है, ऊर्ध्वपातन विधि। तीसरा है सी नंबर देखेंगे, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करना, इसके लिए विधि है सी नंबर निस्पंदन या छानन विधि, निस्पंदन या छानन विधि। डी नंबर देखेंगे दही से मक्खन निकालने के लिए, दही से मक्खन निकालने के लिए है अपकेंद्रण विधि, ठीक है, अभी ऊपर भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। और अगला है डी नंबर हो गया, आगे देखेंगे ई नंबर, जल से तेल निकालने के लिए, जल से तेल निकालने की जो विधि है ई नंबर है, उसे कहते हैं पृथक्करण कीप विधि। कौन सी विधि, पृथक्करण कीप विधि। और अब देखेंगे एफ नंबर, चाय से चाय पत्ती को पृथक करने, छानन विधि। कौन सी, चाय छननी है तो छानते हैं, छानन विधि, ठीक है। और अगला देखेंगे जी बालू में लोहे की पिनों को, इसके लिए चुंबकीय विधि। कौन सी विधि होती है, चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है, बालू से लोहे के कणों को निकालने के लिए। आगे देखेंगे भूसे में गेहूं के दानों को पृथक करने के लिए फटकन विधि। कौन सी विधि, फटकन विधि। अगर कभी आपने देखी नहीं है तो गांवों में देखिए या खासकर मम्मी लोगों से पूछिए कि फटकते कैसे हैं अनाज को। कभी देखा हो एक सूपा होता है जिसमें कुछ अनाज रहता है या कुछ धूल मिट्टी का, उसको अलग करते हैं, छांटते हैं, तो एक प्रोसेस होती है फटकन विधि, ठीक है। आगे देखेंगे एच नंबर, एच तो हो गया, अब आई देखेंगे पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण को पानी से अलग करने की विधि, तो ये आपको मिल जाएगा भारण या फिटकरी का उपयोग कर। कौन सी विधि है, भारण विधि है, फिटकरी का उपयोग करते हैं। और फिर अगला है पुष्प के पंखुड़ियों से निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी। कौन सी होती है ग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। चाय तैयार करने के लिए किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे, देखिए अभी भी क्वेश्चन है, विलयन, विलायक, विले, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, विले, अवशेष शब्दों का प्रयोग। तो आप सभी चाय बनाते होंगे, फिर भी चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करते हैं आप सभी। आप जो करते हैं वही बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ये तो बहुत ईजी है। और देखते हैं
सर्वप्रथम एक पात्र लेते हैं और एक कप पानी विलायक के रूप में ले लीजिए। दूसरा, इसमें थोड़ी सी मात्रा में विलेय के रूप में चीनी डालिए, क्योंकि कोई विलयन तभी बनेगा जिसमें विलेय और विलायक होंगे। ठीक है, तो चीनी डाल दिया तो विलेय था और पानी क्या हो गया, विलायक, अब विलयन बन गया। आपको जल तथा चीनी का विलयन प्राप्त होगा क्योंकि चीनी जल में घुलनशील होगी। बताया ना, कोई भी विलयन विलेय और विलायक से बनेगा। चौथा, उसमें आधा चम्मच चाय की पत्ती डाल दीजिए, जल में अघुलनशील विलेय होगा और इसे थोड़ी देर के लिए उबलिए। पाँचवीं प्रोसेस है, एक कप दूध डालकर लगभग 5 मिनट तक उबालिए और एक छन्नी लीजिए। आपको चाय खोलने तथा चाय की पत्तियां छन्नी के ऊपर अवशेष के रूप में प्राप्त होंगी और नीचे आपके कप में आपको चाय प्राप्त हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता को भिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों में 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो समतुलित विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है और तारिका में दर्शाया गया है। ये प्रश्न है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको देख लेंगे। अगर आप नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। थोड़ा सा 50 ग्राम जल है, क्या है 50 ग्राम जल में 3 से 13 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट, तो 50 ग्राम जल मतलब क्या हो गया, विलायक हो गया और पोटेशियम नाइट्रेट क्या हो गया, विलेय से क्या बना है, संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु, तो इसकी आवश्यकता क्यों होती है। और फिर अगला है, प्रज्ञा ने 300, तो ये क्वेश्चन आप नीचे आप उनके हल दिए हुए हैं, चूंकि 100 ग्राम जल में 333 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट है का संतृप्त विलयन प्राप्त करने तो इसकी मात्रा 62 ग्राम है। ये 62/100 वही पहले वाले प्रश्नों की तरह ही इसको हल कर लेंगे। नहीं बने तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको अलग से कमेंट के माध्यम से ही जवाब दूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये आप वीडियो को पास करें या स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने फेयर कॉपी में या नोट कॉपी में जरूर करिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क समझिए। निम्नलिखित में उदाहरण से व्याख्या कीजिए, समतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइडी और निलंबन। समतृप्त विलयन, जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलेय की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घोली जा सके उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। फिर से देखिए, जब किसी दिए गए ताप पर, आपको एक ताप मिलता है, किसी विलेय की और अधिक मात्रा को विलायक में नहीं घोला जा सके तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, मतलब पदार्थ क्या है, वही कि यह एक ही तरह के कणों से मिलकर बना होता है, इसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि। कोलाइडी विलयन, वे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार विलयन से बड़े, कोलाइडी विलयन वे जिसमें विलेय के कणों का आकार विलयन के कणों से बड़े परंतु निलंबन के कणों से छोटा होता और इनको खुली आंखों से भी नहीं देखा जा सकता और ये टेंडर प्रभाव प्रदर्शित करते हैं जैसे रक्त, दूध, क्रीम, मक्खन आदि। कोलाइडी विलयन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूरी याद करके आप पेपर पे जाएंगे, अपने एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, कोलाइडी विलयन जो जिनके विलेय के कणों का कार विलयन से क्या होता है, छोटा और निलंबन से क्या होता है, बड़ा, इन्हें खुली आंखों से देखा जैसे, पॉइंट वाइज याद करिए। ठीक है, आपको इजी होगा याद करने में। मैंने क्या कहा, आपको किताब की भाषा नहीं, अपनी खुद की एक लैंग्वेज बनानी है। ठीक है, जिससे आपको चीज़ें हमेशा याद रहें। ठीक है, और आप वो चीज़ें किसी और को भी समझा सको। आगे देखें, निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समिति से निलंबित रहते हैं। निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। यदि मिश्रण को कुछ देर तक बिना हिलाए छोड़ दिया जाए तो ठोस नीचे की ओर बैठ जाते हैं, जैसे कीचड़ का पानी, रेत का पानी, चाक पाउडर तथा पानी, चूना पत्थर इत्यादि। ये क्या है, निलंबन। निलंबन क्या है, विस्मांगी कण होते हैं। कैसे कण होते हैं, विस्मांगी, और ये इनके जो विलेय होते हैं, इनके जो विलेय पदार्थ हैं वो विलयन के विलेय कणों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जिसके कारण ये खुली आँखों से देखा जा सकता है। इससे पहले मैंने अंतर आपको बताया था विलयन, निलंबन और कोलाइडी में, तो वहीं से आपको मैंने विधिवत समझाया था, तो एक बार वही चीज़ें फिर से आ गई हैं। उदाहरण, कीचड़ का पानी, रेत का पानी, चाक पाउडर का पानी। ठीक है, ये उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विस्मांगी मिश्रण को वर्गीकृत करें तथा सोडा, जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, सिरका, छनी हुई चाय। तो इसमें समांगी देखें, समांगी मिश्रण तो सोडा जल है, बर्फ है, वायु है, सिरका, छनी हुई चाय है। विस्मांगी मिश्रण देखें तो लकड़ी और मिट्टी है। आप किस प्रकार पुष्ट करेंगे कि दिया हुआ रंगीन पदार्थ शुद्ध जल है, यदि वायुमंडलीय दबाव दिया जाए तो रंगहीन
द्रव्य जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया रंगहीन द्रव्य शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध पदार्थों में के क्वथनांक तथा गलनांक जो है वह निश्चित होते हैं। यदि वायुमंडलीय दाब दिया जाए और कोई रंगहीन द्रव्य को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबाल दिया जाए और तो हम कहेंगे और वह उबलने लगे, तो यह सिद्ध होता है कि रंगहीन जो द्रव्य था वह शुद्ध जल है, क्योंकि हाँ शुद्ध पदार्थों का क्वथनांक और गलनांक फिक्स होता है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं पदार्थ हैं ये पहचानना है हमें, ठीक है, और जैसे बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, कैल्शियम ऑक्साइड, CO, पारा, HG, ईंट, लकड़ी, वायु, इन्हें शुद्ध पदार्थ कौन कौन से, तो बर्फ जो है, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा, ये क्या है, शुद्ध है। जबकि इसमें से हमें क्या बचाना था, शुद्ध बचाना था, ठीक है, प्रश्न में क्या दिया गया था, शुद्ध वस्तुएं बतानी थी, तो ये शुद्ध वस्तुएं हो गई। आगे है प्रश्न, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। अब क्या पहचानना है, विलयन, मिट्टी, समुद्र जल, वायु, कोयला, सोडा जल, तो मिश्रण में हमें मिश्रण विलयन की पहचान है, तो समुद्री जल और सोडा जल क्या है, विलयन है, ठीक है। अगला देखते हैं, मिस टंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करेंगे, नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च का विलयन, तो उत्तर होगा दूध, स्टार्च विलयन, क्योंकि ये क्या है, कोलाइडी विलयन। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित को तत्व यौगिक और मिश्रण से वर्गीकृत करें। तत्व यौगिक और मिश्रण अलग अलग करना है, ठीक है, तो आगे मैं एक सारणी बनाया हूँ जिसमें तत्व सोडियम होगा और यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट, मिश्रण चीनी, तो आप इस प्रश्न को जब लिखेंगे ना और इस सारणी को ऊपर प्रश्नों को लिखेंगे एक और फिर इस सारणी बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा तत्व कौन से हैं, सोडियम, परमाणु क्रमांक चांदी, Ag, टिन, सिलिकॉन, ये क्या हैं, तत्व हैं, यौगिक जो हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो बन यौगिक दो होते हैं, दो या दो से पदार्थों से मिलकर बनते हैं, यौगिक दो या दो से पदार्थों से मिलकर बनते हैं। मिश्रण आपको समझ में आ ही गया है, चीनी का घोल, मिट्टी, वायु, कोयला, ये क्या है, सब मिश्रण है। आगे देखें प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, पौधे की वृद्धि ये भौतिक परिवर्तन है, लोहे के तो देखेंगे रासायनिक पर पौधे में वृद्धि, रासायनिक पौधे में वृद्धि, लोहे में जंग लगना, खाना का पकना, भोजन का पाचन होना, मोमबत्ती का जलना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वह है जो एक बार वो चीज़ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चली जाए तो फिर से पुनः अपनी पहले वाली अवस्था में प्राथमिक अवस्था पर प्राप्त नहीं होती है। जैसे बताइए, मान लीजिए एक पौधा है आपके पास, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया 10 दिन बाद, तो क्या वो 10 दिन बाद फिर छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता है। हाँ, इसी तरह से लोहे में जंग लगना, अगर एक बार किसी लोहे में जंग लग गई तो फिर वह लोहा में की जंग को समाप्त नहीं कर सकता और वह लोहा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। खाना पकाना, आपने खाना बना दिया, मान लीजिए गैस चालू किया, एक खाना आपने पका दिया, अब क्या आप उन्हें उससे दाल चावल फिर से बना सकते हैं, आप आटे से रोटी बना लिए, ठीक है, गेहूं के आटे से आपने रोटी बना लिया, तो क्या फिर से आटा प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। ऐसा परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सहयोग और प्यार हमेशा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।